टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया ताकि आपकी ईद में 4 चांद लग जाएं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से द कराची बॉयज। भाई लोग क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, मजे में है। जो अपने साथ आप इतना सारा क्राउड ले इसको चुप करा दें, बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा काशिफ भाई। काशिफ कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। काशिफ भाई इतने घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, आवाज आप जब गाना गाते हैं तो आपकी आवाज निकलती है, वैसे आप बिल्कुल खामोश हैं। नहीं घबराया हुआ नहीं, ठीक ठाक है, मजे में। ओके जी, जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो आपके घर पे बैठ बचाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदि लमजेद। काश आप भी जाए तो अच्छा लगेगा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आज ईद कैसे गुजारते हैं आप? यार ईद वैसे तो सच बताऊं पहला दिन तो गुजर जाता है सोते सोते। यार ये तो बहुत ही बोरिंग बात करते हो तुम। नहीं मेरा ऐसा ही हिसाब किताब है। अच्छा, मैं कोई इतनी खास ईद मनाता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जब भी मैं मेरे घर के साथ एक खाली प्लॉट है ओके, तो मैं जब भी अपने कमरे की खिड़की खोलता हूँ ना तो मुझे ईद और अजीब सी लगने लग जाती है। बात यह कि कुर्बानी करते हैं सब। हाँ। और अच्छी बातें करनी चाहिए भाई, आप पे जरूरी भी है करनी, ठीक है। मसला ये है कि कुर्बानी के बाद जो गंध मचता है ना, हाँ, उससे मैं बड़ा ऑफ होता हूँ। मेरे घर का मसला ये, मेरे यूं बंगलोज हैं और उसके सामने बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप सब कुर्बानियां कर लेते सब, फिर वो सारा गंध वहीं पड़ा रहता है। हाँ। वो सारी बदबू वहीं रहती है, ठीक है, सारे जरासीम भी वहीं है, मच्छर भी वहीं है, और वो 2-2.5 हफ्ते लगते हैं उसको जाने। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि ये चीजें बेहतर हुई हैं, काफी लोग ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप अगर बंगले में रहते हैं फर्ज करें तो आपके पास घर है, आप अपने घर के अंदर भी तो कुर्बानी कर सकते हैं। काफी लोग, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली यही है कि जी बाहर करें ताकि बाहर गंदा हो जाए, हमारा घर साफ रहे। अच्छा, तो इससे मैं थोड़ा बुट ऑफ होता हूँ, लेकिन बस सही है, गुजर जाती है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा अगर इस चीज को हटा दें तो हाँ, कैसी शाम में क्या करते हैं हमारे दोस्त? यार बारबेक्यू करते हैं okay. हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सारे दोस्तों को घर पे बुलाते हैं okay. और उसमें हर किस्म के गोश्त का, सिवाय काशिफ का गोश्त नहीं होता उसमें, लेकिन हर किस्म का गोश्त बारबेक्यू हो रहा होता है, तो ठीक है, तो बारबेक्यू करके एंजॉय करते हैं। बारबेक्यू करते हैं, हाँ बस, और क्या, हंसी मजाक और क्या करना है। ठीक है आदि भाई, आज के हमारे इस प्रोग्राम को और बेहतर करने के लिए हमने दो जबरदस्त एक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है। अच्छा, हाँ, एक मेल है एक फीमेल है, लड़के जो है बहुत जबरदस्त काम करते हैं। हाँ। अक्सर आप उनको देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे कामों में, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में नजर आते हैं वो। उसके साथ साथ जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा, हाँ, और मुझे लगता है कि इनकी एक अजीब सी राइवलरी है अपने घर में। अपने घर में ही चल रही है। कौन ज्यादा अच्छा काम करता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो। हाँ, क्योंकि दोनों फैमिली जिनको हमने बुलाया है उनमें उनके घर में एक से ज्यादा एक्टर्स हैं। अच्छा, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे मुकाबला होता होगा, या मुकाबला नहीं होता होगा तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जरूर होता होगा एक दूसरे को काम को लेकर। मेरे घर में भी एक एक्ट्रेस है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे यहाँ से तो कोई एक्टिंग नहीं करता? नहीं, मेरे घर में भी एक एक्टर। कौन? मेरे काम करने वाली जो है वो एक्टिंग करती है। जैसे कि वो रोज आती है, वो बाजी आज मेरा जो सुसर है ना उसकी टांग टूट गई। फिर बाजी आज जो है ना मेरी सुसर की आंख टूट गई। उसका सुसर अगर आप देखें तो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो टूटती फूटती रहती है वो। हाँ, तो वो ये है। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। हम अपने गेस्ट को यहाँ पे बुलाते हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आज हमने उनको दावत दी ईद वाले दिन हमारे कहने पर यहाँ पर आए, तो उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आइए उनको बुलाते हैं, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मुनीब भट्ट एंड सबूर अली। पहली दफा देखा था ये, तो पहली बार देखा है। ये क्या था? ये मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ बाद में करना है। हाँ, कहीं आप भी तो अपने घर में नहीं रहते। अच्छा जी, ईद कैसी गुजरती है मुनीब?
ईद अलग करम हमेशा से तो मैंने ओवर द ईयर देखा माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो तुम ईद में है ना और बाकायदा कुर्बानी बिल्कुल लेना चाहिए क्यों नहीं। आदि भाई की एक शिकायत है कि लोग गंद फैला देते हैं, मैंने कहा ओवर द ईयर बेहतर हो गया है लेकिन अभी भी कुछ है ऐसे लोग। यार पहले बहुत अच्छा हो गया था, अब दोबारा पिछले एक दो सालों से जो है ना जब से खराब हुई है और इस साल तो बल्दियाती निजाम क्योंकि खत्म हुआ हुआ है और फंक्शनल नहीं है तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा है। आप बताएं ईद कैसी गुजरती है क्योंकि तीन मर्द हैं और एक खातून है, तो बताएं आपकी ईद बरक भारी है तीनों पे भारी है। हाँ लेकिन ये है कि पहले थोड़े बीच में स्लो जाती थी, अब थोड़ी लाइफ में चीजें चेंज हुई हैं ठीक है तो उसकी वजह से अब जरा हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ता है। आपने अभी गोश्त में अपना हाथ डाला? हाँ। या भी किया या लोग कहते नहीं जी गोश्त नहीं है? नहीं नहीं, हर चीज में हिस्सा डालना पड़ता है ईद का, यही इस ईद का तो यही मकसद है ना। हाँ बिल्कुल, दिखावे के लिए तो नहीं करनी होती क्या है भाई हमने एक जानवर ले लिया और इतना बड़ा जानवर लिया अब दुनिया देखे दिखावा करे, ये तो अपने उस चीज के लिए। हमारे एक्ट्रेस को लेके हर चीज बड़ी ज्यादा जजमेंटल हो गई लोग, अगर कोई ज्यादा करे तो कहते हैं ये बहुत ज्यादा दिखा रहा है, जैसे फैसल भाई को मैंने देखा खुद गाय गिरा के काट भी लेते हैं। अच्छा, और कोई ना करे तो कुरैशी है ना, कुरैशी तो माशाल्लाह क्या कोई मसला ही नहीं है ना वाली बात। एग्जैक्टली, और कोई नहीं करे तो कहते हैं यार ये बर्गर्स बने, ये क्या मसला है, हमारे इतने जजमेंटल लोग क्यों हो गए हर चीज को लेके। मेरे ख्याल से जब से सोशल मीडिया का दौर आया ना उसके बाद से हर बंदे के हाथ में फोन आ गया तो हर किसी की अपनी राय है वो देता है, बट मेरा अपना इसमें ज़ाती मौकफ ये है कि कुर्बानी करनी चाहिए लेकिन दिखावे के लिए ना करें, और सोशल मीडिया पे ना भी डालो तो खैर, और लोग कह रहे तो कहने तो उससे क्या फर्क नहीं, और घर का काम है तो जज ना करें। हाँ, और घर का काम है तो घर के काम में सोशल मीडिया पे मत डालें, अगर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कमेंट से लोग तो कमेंट करेंगे। हाँ, लोग तो नहीं छोड़ते किसी भी चीज को, कमेंट करते हैं, गाली जरूर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है कोई भी बात है ना कोई एक गाली जरूर देता है। और मुझे ऐसा लगता है लोगों ने ना कुछ अकाउंट्स को पकड़ लिया कि यहाँ से तो कुछ करना ही करना है ना। अरे बड़े बहुत सारे लोग हैं, अच्छे बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेक प्रोफाइल्स बना के रखी हुई है स्पेशली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। और मैंने तो ज्यादातर गालियां अब इंस्टा से सीखी हैं जो पढ़ती हैं। ये चेक करें आप, मतलब जैसे मेरे पास एक प्रोफाइल है मेरे इनबॉक्स में, उसको डिलीट भी नहीं करता, वो इर्तुगुल की फ्रेक प्रोफाइल बनी हुई है। हाँ। और वो मुझे रोज सुबह उठ के ना कभी माँ की गाली देते कभी बहन की, और जिम्मेदारी से 10:15 बजे। अच्छा, ये अच्छी टाइमिंग फिक्स है, वो 10:15 बजे गाली दे रहा है, कम से कम पंक्चुअल तो है वो, गाली दे रहे काम पे जा रहे हैं। आप पॉजिटिविटी देखेंगे, कम से कम बंदा पंक्चुअल है तो मैं रोज देखता हूँ और मैं कहते हैं यार चलो एक दो दिन अगर नहीं आई तो आप मैसेज भी कर देंगे ठीक है किधर आज कहाँ हो यार, गाली जो भी है गाली देके जाओ यार। अच्छा, ईद की रूटीन क्या होती है, क्या करते हैं ईद वाले? ईद की रूटीन सबसे पहले सुबह सुबह उठते हैं, नमाज अदा करते हैं ईद की, और उसके बाद सबसे हमारी पूरी जो एरिया है सबसे पहली कुर्बानी हमारी होती है माशाल्लाह, क्योंकि हमारे अब्बू की आदत है कि हमने सबसे पहले जो है वो जल्दी फ्री होके और जल्दी सो जाना होता है। अच्छा, क्योंकि सुबह से उठे हुए होते हैं। हाँ। रात भी पूरी खराब हुई, ये कैसे जज होता है कि सबसे पहले हमारी हो गई, क्योंकि हम सबसे पहले जहाँ पे नमाज हो रही होती है ना सबसे अर्लीस्ट पॉसिबल वहाँ भागते हैं, वहाँ से नमाज पढ़ के फौरन आ जाते हैं, उसके बाद फिर कुर्बानी करके सो के जाते हैं या जागते हुए जाते हैं, जो हमारा एक ट्रेंड है ना, बहुत कम सोते हैं 2-3 घंटे की रात में, एक चांद रात का अलग ही एक सीन होता है। क्या सीन होता है? बिल्कुल अलग यार, आखिरी दिन होता है, जानवर ने कल सुबह कुर्बान हो जाना होता है तो फिर यार मैंने लोगों को वैसे बाकायदा देखा है, बाकायदा देखा है जो लोग वाकई जानवर से प्यार करते हैं उसको नहलाते हैं खिलाते पिलाते हैं बाकायदा लास्ट, क्योंकि वो कहते हैं यार ये चांद रात है तो इनका ख्याल रखना चाहिए, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे लड़के आप देखें जहाँ मेहंदी लग रही होती है वहाँ जाते हैं, उनका वहाँ से गाय लेके गुजर रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं खासतौर पर मेरी वाली गाय गुजर रहे होते हैं, दूसरी गायों को देख रहे होते हैं कि शायद इनका नंबर। अच्छा जी, तो कुर्बानी हो गई उसके बाद आपने गोश्त पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, उसके बाद फिर रात में निकलते हैं। अच्छा, गोश्त बनवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है या? नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कौन से कहाँ खुल रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? और ये मेरे बात पे डांट भी पड़ती है कि ये गलत कटवा दिया है। नहीं, हमारे कसाई बड़े प्रोफेशनल होते हैं भाई, पक्के हैं, हर साल आते हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा होता है तो वो सारा एक दिन पूरा हमारे में ही लग जाता है। बकरा ईद पे ये अच्छी बात है कि माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान का सही बना हुआ होता है। हाँ, अच्छा लगता है यार, आप तो परसों रिक्शे में नहीं जा रहे थे तो बोला नहीं नहीं वो परसों में रिक्शा चला, पार्ट टाइम कसाई है तो आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अनाड़ी कसाई, अनाड़ी कसाई यार, अनाड़ी ये नाम है, प्रॉपर एक टर्म है अनाड़ी कसाई। पिछली ईद पे मैं कसाई लेके आया, मैंने कहा यार ये बकरा है, थोड़ी देर में बाहर ही रहा, उसकी कलमे बना दी काटना है। अच्छा, और हर घर में ना एक वो भी होते हैं अंकल जो बैठ के देख रहे होते हैं कि गोश्त कैसे कट रहा है, पहले कुछ नहीं बोलते हो, जब गलत कट जाए अनाड़ी है, अनाड़ी, अरे भाई आपको पता था अनाड़ी है तो काटने नहीं देते उसको। सही बात है, बिल्कुल। आप बताएं आपकी रूटीन ईद कैसी चलती है? तैयार होना होता है पहले तो, सबसे ये तो जिम्मेदारी है ना, खवातीन तो गुजर गई, ओह गॉड, पिक्चर्स लेनी होती है, ईद डे वन लुक ठीक है, और सबकी कॉल्स रिसीव करनी होती हैं ठीक है, जिसको नहीं भी जानते वो भी कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी है, और मैसेजेस भरे messages. होते हैं, उनको सबको रिप्लाई करना होता है। हाँ, वरना मैसेजेस वाला पूरी बात हो जाती है, मैसेज में आता है रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू फलाना फलाना सेज ईद मुबारक टू यू। नहीं, और अब एक नई चीज शुरू हुई है, ये दो बार हुआ है मेरे साथ, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनेगा
उसमें कोई 180 लोग अपना मैसेज लिखेगा और एग्जिट आ जाएगा और आप एक दूसरे से पूछ रहे भाई तू कौन है, ऐसे ही होता है 40-50 लोग एक साथ जगह पे जमा हो जाते हैं। अच्छा तो तैयार हो गए जी, तस्वीर लोग हो गया, बात बताएं कलेजी भी बनानी होती है, कलेजी बनानी होती है। हाँ वो कितने रोज़ कलेजी तो अल्टीमेट अल्टीमेट डिश है, कलेजी बनानी। हाँ जी बहुत अच्छी, प्रॉपर बहुत अच्छी, लाइक अ फिक्स, लाइक अ फिक्स, लाइक अ प्रो, लाइक अ प्रो, लाइक अ प्रो। अच्छा जी, तो फिर दावत आपके यहाँ होती है या आप लोग कहीं जाते हैं? मैं तो फर्स्ट डे अपने फ्रेंड्स में जाता हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, और सेकंड डे हमारे यहाँ बारबेक्यू का बहुत बड़ा ग्रैंड सीन होता है। ये बारबेक्यू का बड़ा सीन होता है इस ईद पे, बारबेक्यू का वो बचपन की तरह, अब इतना सारा गोश्त है क्या करेंगे, बारबेक्यू मतलब एक समझे ट्रेडमार्क बन गया ईद उल अज़हा का। अब ईद बगैर बारबेक्यू के हो ही नहीं सकती भाई, आपको नींद नहीं आ रही होती यार इस ईद पे बारबेक्यू नहीं हुआ कहीं करो यार। अभी अचानक कोयला महंगा हो जाएगा, फिर सेगड़ी महंगी हो जाएगी, फिर पहले से उठा के रख लो है ना। हाँ, पहले से लोगों को पता होता है ये होने वाला, ये चीजें महंगी कर दो। सही है, बनता है यार, क्यों बनता है सब खा रहे हैं, खा लेंगे नहीं नहीं खा लेंगे, लेकिन खाते हैं तो फिर लगाते भी तो है ना, जबरदस्ती महंगी की देखे ना, खाते हैं तो आपको देते भी तो है ना। बात ये है जबरदस्ती की महंगी हम लोग कहते हैं, लेकिन खाली इनका कसूर तो नहीं है, तो हर जगह ही होता है ना। हमारे यहाँ कोरोना के दिन में जब 500-500 रुपए का मास्क बेचा है, हाँ जी, तो जब सभी कर रहे हैं तो उनको ये भी ठीक है। आपके यहाँ अरे वाह, कौन है भाई ये चीख के जा रहा है, कुर्सी पीछे से निकल गई। अच्छा जी, आपके यहाँ दावत होती है, आप दावत पे जाती हैं? होती भी और जाते भी, 3 दिन होते हैं, हम 4 दिन कर लेते हैं, इतने लोग होते हैं ना दावत, सारी चीजें अकोमोडेट करते करते कि कहीं जाना होता है और कहीं लोग आ रहे होते हैं, रिश्तेदार दो सब करते। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह क्योंकि बहुत सारा काम करते हैं, क्या अभी भी रिश्तेदारों के साथ वो है ताल्लुक कि यार ये मेरे कजन हैं ये आए हुए हैं? जाहिर सी बात है रिश्तेदार थोड़ी छूटते हैं काम से, उसका क्या ताल्लुक, रिश्तेदार तो रहते हैं। आपका बारी है भाई, जब आपका मैगजीन जब छाया होगा ना उसके अगले दिन, आपका भी ऐसी है कजन? हाँ है, लेकिन ये है कि काम में ज्यादा बिजी हो गए हैं तो शिकायतें रहती हैं वालों को, दोस्त वाली शिकायत करते हैं अक्सर, मैंने देखा है यार तू स्टार हो गया थोड़ी बात करेगा हमसे। अच्छा आजकल मेरे साथ हो रहा है, हो रहा है ऐसा कि हाँ भाई अब तो सबूर की ना कॉल आती है ना मिलती है, ठीक है भाई ठीक है, अब ससुराल वाली कैसे मैनेज करती हैं? बस क्या कुछ भी नहीं करके एक आध बार मिलके कवर कर लेते हैं। नहीं भाई हमारे काम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इंसान के पास टाइम नहीं होता, आप बैक टू बैक या तो ट्रैवल भी कर रहे होते हो काम भी कर रहे होते हो, और 10 बजे पैकअप के बाद किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है। नहीं नहीं लगती है, अच्छा सेट बोल सकते हो तुम, शादी बेगम की शक्ल अच्छी लगती है, क्यों नहीं अच्छी लगती सेट के लोगों की? नहीं हुआ होता है, हां सेट के लोगों की, सेट के लोगों की, हां सेट पे अगर आपको जब बोले ज्यादा से ज्यादा तो बुरा लगता है। सुबह से 10 बजे के बाद वाकई 10 बजे के बाद ऐसी बैठने लगती है सेट पे, घर जाकर सेट पे तो घुसते ही शक्ल अच्छी नहीं लगती। हां वो भी कुछ सेट ऐसे भी होते हैं, कुछ सेट ऐसे होते हैं, और मैं आपको या आप इनकी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं ऐसे करके क्यों कह रहे हैं? कुछ सेट ऐसे होते हैं, मैंने सीधा बोला इसको कि कुछ सेट ऐसे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, ये कसम से सिर्फ पैसों का मामला। आप लोग इतना ज्यादा साथ रहेंगे तो शक्लें मिलना शुरू हो जाएंगी, हां ना भी जैसे लगता है। अच्छा जी मुझे बताएं कि क्योंकि हमारे यहाँ खाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है खासतौर पे ईद वाले दिन, मेन्यू कौन सेट करता है, खुद सेट करते हैं? मेन्यू सेट है यार, और एक, है? हाँ सेट है पूरे, हम हर सालों से सेट है हमारे घर में, तो कलेजी है और उससे बोर शाम नहीं होते यार, एक ही चीज बनी जा रही है। हाँ नहीं क्यों, तकरीबन तमाम घरों में कलेजी तो है ही है, कलेजी तो है ही, कढ़ाई और बारबेक्यू बस है वो। फिक्स है घर हमारी कुर्बानी है गोश्त, हम कुछ भी खाएं भाई, हम जो बनाए आप अपना मेन्यू दे रहे हैं। बात ये कि अगला 30 मिनट का जो है हमारा तो फिर हमारा जो होगा हमारे नहीं नहीं ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि भाई जैसा हमारी मर्जी बनाए, लेकिन सबके घर में एक ही चीज बनती है। मैंने बोला ना कलेजी तो कहीं ना कहीं बननी ही बननी, पूरा साल बननी चाहिए ना, रोजा खुलना होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द रोजा। अच्छा बताओ बकरा है कट गया, कलेजी है तो क्या करें उसके, खाएंगे ना यार, खाएंगे बनाएंगे बनाएंगे नहीं, और वो क्योंकि जल्दी बन जाती है, नहीं नहीं जल्दी जल्दी बन जाती है, जल्दी बन जाती है, आपका चूल्हा एक एक डेढ़ घंटा बनाने वाले जल्दी बनती है, जल्दी बन जाती है, एक तो जल्दी बनती है। मैं तो खाते हूं खाने वाले होते भाई, हम मैंने YouTube पे देखा तो 6 मिनट में बन गई थी यार, वो भाई ट्रांजिशन लगी हुई थी क्या हो गया? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं और एक तो जल्दी बन जाती है, और जब ये कौन बेल बजा रहा है भाई, ये टाइम यार ये हमारे जो छिछोरे आए हुए हैं इनकी वजह से ही, हमारे म्यूजिशियंस को जब नया नया चेक मिलता है ना तो ज्यादा बजाने लगे, ज्यादा ज्यादा काम करते हैं, बजाओ बजाओ जोर से बजाओ, ये देखा ये देखा। अच्छा मेरा एक सवाल है आप तीनों से, अच्छा मुझसे भी है, हां ये पता नहीं मेरे साथ तो होता है कि जब बकरा ईद आती है और गोश्त करता है, उस गोश्त में से ना एक एक आती है चीज, ठीक आती है आपका बकरा, आपका बकरा है जो ही वाला है, नहीं गाय गाय जो आप खुद है आप आती है, समझ गया आपने क्या कह रहा, लोगों के घरों में आती है वैसे, लेकिन आपके बकरे में
आपका बकरा चाइना का है, मैं आपको एक चेक बताऊं कैसे चेक करना है, मैं आपको बताऊं। नहीं तो आपके बकरे गाय में से नहीं आती? नहीं 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 आती, हर की खुशबू आती है भाई, शनेल की खुशबू आती है, खुशबू आती है। अच्छा मैं ये वाला सवाल, तुमने वैसे अच्छी बात की, ये जो बकरा लेने जाती है ये भी एक हर किसी का अपना होता है घर में बंदा, यही लेकर आएगा बकरा? बकरा बकरा लेने? बकरा हाँ मैंने बहुत लिया, एक दफा मैंने बकरा लिया अंधेरे में, अंधेरे में नहीं हुआ ये कि अब चांद आती तो अब्बू लेकर आए हुए थे, तो मैंने मैं भी एक बकरा लेकर आया, ऐसे शौक मैं एक और बकरा लेकर आता हूँ, तो अब्बू ने बोला मत लो बहुत ऑलरेडी हो गया, मैंने नहीं बस मेरा दिल कर रहा मैं ले आता हूँ, मैं लेकर आ गया अंधेरे से, सुबह पता चला कि बकरा लंगड़ा था ऐसा है। मैंने पूरे दो दिन उसको डिफेंड किया बकरे को, कि नहीं नहीं आप लोगों की नजर में मसला लगा, वो उसका स्टाइल है चलने का, बाय बर्थ उसका प्रॉब्लम है यार, उसको आप अप्रिशिएट कर, शेमिंग कर रहे हैं आप बकरे की। वाह वाह बकरे की बॉडी। हम जब पहले बचपन में बिल्डिंग में रहते थे तो हमारे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था उसके आगे ना एक बाउंड्री वॉल थी, उनका बकरा ना मैं ऊपर से देखता था, मैंने कहा यार इस बकरे में ना कुछ मसला टाइप है, देखते मैं नीचे उतरा मैंने उनका कपड़ा हटाया, बकरा देखा तो उसके आगे वाली टांगे छोटी पीछे वाली लंबी, तो वो होंडा सिविक की तरह ऐसे वो। यार बकरे की बॉडी शेमिंग ना करें। नहीं नहीं ऐसा था, मैं बता रहा हूँ, ये भी कभी इत्तेफाक हुआ है बकरा लेने जाने का, ये कभी सोचा ऐसा? नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मेरे घर आता भी है तो मैं मतलब उसको हटवा के कभी बाहर निकलना हो। अच्छा तो डर लगता है बकरे से? ये बकरे से कौन डरता है, बकरा तो इंतहाई मासूम है। हां बकरे के पास से काटेगा ये वाला डर बस मुझे बचपन से लगता है, हाथ भी नहीं लगाते हम लोग के साथ बैठ के, आपके नहीं बकरे से डर लगता है? नहीं नहीं हद हो गई है तो सदके सदका भी देना हो तो मैं तो बहुत डर डर के जल्दी से करके। अच्छा नहीं वैसे बकरा ऐसा, बकरे का भी यही ख्याल है तुम्हारा, बकरा भी कहता है इनको फिर मैं गुजरूंगा दूर से हाथ लगवा। सारे जानवरों के साथ होता है या बकरे के साथ? सारे जानवर, कुत्ता बिल्ली सब। हाँ लेकिन अभी मैंने बिल्ली और कुत्ते का डर निकाला है। कैसे? पेट कर लिया, फंस गई। कैसे निकाला? फंस गई ताली से। क्या निकाल लिया होगा यार, क्या हो गया? नहीं नहीं बताया ना, कैसे पेट कर लिया आपने, क्या किया? आप जिस घर में गए वहाँ कुत्ता बिल्ली थे पहले? जिस घर में जाने वहाँ पे कुत्ते बिल्ली है। ओए होए होए, सबसे बड़ा बिल्ली तक तो समझ में आता है, ये कुत्ते वाला मामला मैं कौन से ज़ूलॉजिकल तुम्हें तो नहीं, इतना बड़ा टास्क था ये, अभी थोड़ा सा रहता है। अच्छा, थोड़ा सा रहता है, कुछ इजी हो गया मामला। हाँ अब पकड़ लेती हूँ वो वाला, तो छोटा सा ना, सुबह उठती है तो मुंह पे बिल्ला बैठा था। ये कौन सा? नहीं पता, इतना नहीं पता चला अभी। अच्छा लेकिन ये डर निकाला है अभी मैंने, थोड़ा उनका निकल गया डर मुझसे, वो अभी पता नहीं चला उन्हें। खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं तो मजेदार शो, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आइए, हमारे साथ मौजूद है मुनीब भट्ट और सबूर अली। आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि आदिल अमजद, उनके साथ मौजूद है मुनीक बट, उनके साथ मौजूद है सबूर अली, और हम खेलने लगे नेवर हैव आई एवर। मजेदार 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 मजेदार। आप लोगों ने पहले खेला होगा ये गेम बहुत दफा, बिल्कुल नया गेम है, कभी पहले ना खेला हो आप लोगों ने, ठीक है जी। नेवर हैव आई एवर में आउट ऑफ द बॉक्स है ये, लेकिन होगा कुछ यूं कि जब आपने हां बोलना है जवाब पे तो आपने एक शॉट पीना है। ओके, और ये जो आप पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। हां बोलो, क्या? हां नहीं बोलते, जी बोलते जी। हां ओके डैडी। अच्छा जी पहला सवाल, Never have I ever met up with someone from a dating app. Never. 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 Okay. इतने शरीफ हैं आप दोनों। नहीं। ये शुक्र करो तुमने नहीं पूछा मैंने। मैं तो चली तुम तो बोतल पी जाते पूरी। और नाम भी भूल जाते हैं। जब मैं सिंगल था उसका क्या था? आपको कैसे पता नाम भूल जाता हूँ? पहले शो देखा। शो देखा। भला हो मेरे जैसे दोस्त का। अब मैं बताऊँ, अल्लाह माफ करे, मैं हर जगह जाके सच बोल देता हूँ और बाद में वो जो असली दुनिया में मुझसे लोग मिलते हैं वो मेरे इम्तिहान लेते हैं रैंडम टाइम। नाम बताओ। नाम बताओ। हाँ मेरा नाम बताओ। तो बता देता हूँ मैं। Never have I ever done something so embarrassing in public. I still cringe when I think about it. Never. 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 Okay. यार बहुत सीधे हैं आप लोग। अच्छी बात है। Never have I ever kept a relationship secret. ये तो क्या फुदूल सवाल है। Never. हो नहीं सकता ये मेरे। हो ही नहीं सकता। ठीक है आदि। क्या? Never have I ever. Secret ना मैं बता देता हूँ। हाँ तुम तो जिससे है उसके भी बता देते हो। जिसको। Never have I ever been kicked out from somewhere. Never. Ever. Never ever. आदि kicked out somewhere. हाँ हाँ क्लास से निकले दुबई में, क्लास से निकाला था मैंने, बाकी कहीं क्लास से क्यों निकाला था? क्या क्या शरारत की होगी? नहीं किया होगा बता, तो शरारत ऑब्वियसली कुछ याद पता है? कुछ नहीं आए, किसी को निकाला ही होगा तो हाँ मैं तो भाई हाँ में शॉर्ट पीना। चलो चले ये आपको मैं आसान, आप कभी क्लास से भी नहीं निकाली गई? क्लास तक गई है अगर आप ये बोलोगे कि आपको क्लास से नहीं निकाला, किसी ने क्लास से? अच्छा मुझे आज तक क्लास से नहीं निकाला, क्योंकि तुम क्लास गए नहीं ना, आप आउट क्लास, लड़कियों को आउट ऑफ द क्लास, शुरू से आउट क्लास है मुझे हमेशा, कभी भी नहीं, अच्छी स्टूडेंट रही हैं, सुनते नहीं है लड़कियों को, कम ऑन, या लाइक इट, कम ऑन, ला 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 ला।
बताना नहीं है क्या ये? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगली बार इनकी आ सकती है। Never have I ever been arrested. नहीं arrested. हाँ मुनीप ने सोचा है कुछ होते होते रह गया था यार। नहीं फिर नहीं हुआ ना। नहीं हुआ लेकिन होते होते क्यों रह गया था, क्या था ये मामला यार? काले शीशों के ऊपर भाई सख्ती चल रही थी, B144 और 188। हाँ। तो गाड़ी के मेरे शीशे जो टेंट थे तो थाने तक पहुंच गए थे, लेकिन बस फिर थाने में फैन निकला होगा कोई। नहीं बस हो गया था, हो गया था मामला। क्या मुझे समझ नहीं आई? कोई बात नहीं हम समझ गए, कोई फोन कॉल वाली बात कर रहे हैं। नेवर हैव आई एवर स्नक इन समवेयर। बहुत ही शरीफ लोग बुलाया, क्या पैदा होते यहीं आगे शो पे? अरे पिया तो है कभी यार, आप अपने सवाल बेहतर बनाते ना, हमने बनाए नहीं है ना। ये सही बात है, सही बात है, इंटरेस्टिंग होते। नेवर हैव आई एवर गॉन ऑन मोर देन वन डेट इन अ डे। नेवर। मुनी तुम तो गए हो, मुस्कुराहट बता रही है कि तुम ना नहीं बोलना, तुम सीनियर से लेके डॉल्फिन मॉल दो जगह गए हो। हां मैं गया हूं। चलो आदि, अगर आपसे ये सवाल किया जाए क्या किया जाए? नेवर हैव आई। नहीं भाई एक दिन में एक मैं तो ताकि नाम याद रहे, बिजी हूँ ताकि नाम याद रहे। यार ये चढ़ेगी तो नहीं? ये चढ़ेगी नहीं, उतरेगी। अच्छा जी, never have I ever lied about my age. Never. अच्छा कभी नहीं? कभी भी नहीं। मैं जो बताती हूँ उससे छोटी लगती हूँ। अच्छा हाँ ये तो अच्छी बात है, ठीक है। Never have I ever sneezed on my hands and wiped it on something. Yeah. ये आपने नहीं किया शादी पे? शादी पे? नहीं नहीं, नहीं मैं ये कभी नहीं किया मैंने। हाँ और खुद कहीं ऐसे ही। हाँ तो क्या हो रहा है? आपने कहाँ किया था ये? कुछ याद है? करती रहती हूँ। करती रहती हूँ तभी मैं कौन सोफा गीला क्यों हो रहा है एक तरफ से? करती रहती हूँ ये कोई अच्छी आदत थी जो मैं करती रहती हूँ? सही है, कोई बात यार। ये क्या बात हुई, आप मुझे कुछ और दे रहे हैं? जब ये पे होगे ना तो कहोगे यही ठीक है। आप बोलेंगे वही वाला ठीक था। सरसों का तेल लग रहा है जी, जी। अरे इसको पी के आप स्लिपरी हो जाएंगी। नहीं नहीं सरसों का तेल नहीं, कुछ नहीं है बुरा ऐसा। सूंघना नहीं है, पी ले। 1 2 3 गो। आप पियेंगे ना आपकी दाढ़ी मुझे निकलेंगे। पेट्रोल तो नहीं है? पेट्रोल। 1 2 3 अरे पी ले। 1 2 3 Come on। अब आप बोलेंगे अच्छा किया। एकदम से बड़ी हो गया। Never have I ever fainted. ये तो दोनों के साथ हुआ होगा। I have. चलो भाई बना लो, शाबाश। अच्छा। ये लड़के ने जिद की। तुम काफी होश। बार्टेंडर बहुत खराब। बार्टेंडर ठीक नहीं है भाई। अच्छी ड्रिंक। बार्टेंडर आपकी कंप्लेंट आ रही है। बार्टेंडर जो है वो भाईजान 1100 में यारी आई, इतनी थी जब स्टार्ट हुई थी। आदि कहां खुद भी तो पी रहा हूं। आपने क्या बोला? हां बोला। हाँ 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 आपने पहली वाली ड्रिंक नहीं पी? कुछ याद पड़ता है कहाँ? कोई सेट पे? मैं हाँ मैं सेट पे बेहोश। सेट पे बेहोश? मैं मार्केट में। मार्केट में कहाँ? कौन सी मार्केट? आप बेहोश हुई तो फिर क्या हुआ? गल्फ में बेहोश हुई तो आंटी ने उठा लिया। आंटी ने उठा लिया, ये तो प्रॉब्लम है। आंटी उठा लेती मैम, इसीलिए मैं गल्फ नहीं जाता। सही करते हैं, आंटियां उठा लेती मैं, इसीलिए गल्फ नहीं जाता। पता है जी क्या हुआ था? सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था, बाजार में फिर रही थी, काम कर रही थी, तो चक्कर आ गया और बस चक्कर आया, ब्लड प्रेशर लो। अच्छा गल्फ में तो माशाल्लाह रश भी तो इतना होता है ना। हाँ टेम्परेचर वैसे ही 7-8 degrees वहाँ ज्यादा होता है। ठीक है जी। Never have I ever had someone slap me across the face. Across the face? हाँ कभी किसी सीन में कुछ ज्यादा डिमांडिंग होते हैं कि मुझे थप्पड़ी मारें? वो तो पढ़ते हैं लेकिन वो तो एक्टिंग में होता है ना। हाँ तो उसी की बात हो रही है, एक्टिंग भी हो सकती है। एक्टिंग नहीं हो सकती। ये आपका ये बाकी है अभी तक, या पूरा भी नहीं? चले ये जल्दी से पिए, हम देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 6 cameras है, सबको पता आपने पिया नहीं है। सुबह स्कूल अगर नहीं जाना तो पियो। बच्चों को नहीं चले चले जल्दी से जाने का दिल चाहता है, जल्दी से पिए। कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, इसीलिए मां सज्जी के, इसीलिए बनाया है जस्ट चार मसाला। चले शाबाश रे बेटा, कैसा था पहला वाला? इतना बुरा नहीं, पहला वाला ज्यादा बेहतर था। बनने का बड़ा हो गया, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है। तो मजे क्या बल्कि देखा कैसा आपने वाला रिएक्शन दिया कि लाओ और दो ये। Bill by cash. अच्छा जी, never have I ever been on a bizarre diet. Never. तुम्हारे तो मैं snaps वगैरह देखता रहता हूँ, एक आदमी मुसलसल diet पे। आप बताएं, never been on a diet? नहीं, इनका नहीं बनता। मतलब उस तरह से। यार ये आप mix कर रहे हैं, cross हो जाएगा। सर अभी आपने। सर level up करना है हमने। आप ये पे। हमारे पास एक German Shepherd है, उससे भी कराएंगे हम। अच्छा जी, never have I ever stolen something. Stolen something. यार अब्बू ने मुझे एक दफा
ऑफिस में बिठाया, जो भी कैश आता था ना रोजाना रात में उसमें 1000 रुपए मैंने चोरी करके आ जाता यार गाड़ी में। शहीद से 1000 रुपए लेकर समझते थे क्या कमाल कर रहे हैं भाई, वो 1000 रुपए 30,000 हो गए और गुना कमाना था तो रोज रोजाना 1000 रुपए है, पता ही नहीं चलता था कैश में कहां गए रोजाना। ओके पकड़े गए फिर उसपे कभी? हां पकड़ा गया, कैमरे लगा ली अब्बा ने, कैमरे लगा लिए बेटे के लिए। गायब हो रहे हैं भाई कहां जा रहे हैं? अब एक दिन का बेटा वहां तिला दें आपको, साथ मजाक हुआ है को ठीक है। नेवर हैव आई एवर एक्सीडेंटली सेंट समवन टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंटली? हां आई हैव। यू हैव? अब क्या करते फिर रहे हो तुम भाई? कोई चांद तक की शूट कर रहे थे बीच पे, तो मेरी गाड़ी फंस गई बीच के ऊपर, तो वो जो एडी था हमारा उसने बोला मुनीम भाई जाने दे, मुनीम भाई जाने दे, मैंने जाने दी फिर सही है फरमा बरदार, जाने दे मैंने जाने दिया, जाने दी फिर वो उसकी गाड़ी बेचारे के पांव पे चढ़ गई, तो वो ज़ियाउद्दीन बेचारा पहुंच गया। ओए होए 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 चल कोई कोई बात नहीं, अब ठीक है वो बंदा सही चल रहा है, अब तो चल रहा है, अब चल के कराची से उसको देख के आप अपने बकरे की याद दुनिया दी। अच्छा जी, नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू गेट अ टेक्स्ट और कॉल टू लीव अ डेट। ये कुछ सोचा तूने क्या कर डाला? नजर आ गया। हुआ ऐसा कुछ कभी? हुआ हुआ होता ही है यार, आप निकलने का यार जाओ ही ना ऐसी डेट पे जाओ ही नहीं फिर। नहीं पता थोड़ी होता, कई बार नहीं कभी लड़ाई हो गई है, मुझे कॉल आ रही है मैंने जाना है वापस घर। तो क्या क्या बहाना होता है कॉल पे? क्या अम्मी की तबीयत खराब है? नहीं अब्बू की कॉल आ रही है घर से, बस बस घर जाना है। हाँ घर जाना है। तो आप क्या बहाना बनाती है? किसकी कॉल आई थी? बस दिल नहीं जा रहा। दिल नहीं दिल नहीं जा रहा बस दिल नहीं जा रहा भाई मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं बताए ना भाई ये क्या था, ये तो कुछ तीसरी अच्छा बोतल खुल गई है। ये असल में ये भाई भाई पहली वाले तो खत्म होने थे, हर लड़के बोतल आ गया थे करके छोड़ा, लड़के ने नजर रखा हुआ है भाई ये कुछ नहीं पसीना है बस। आए यार मैं नहीं पी रही, जल्दी जल्दी लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस, लेम लेमन जूस है वाकई यार, ट्रस्ट मी। इसके बाद खिलाएंगे क्या? इसके बाद आपको हुमस खिलाएंगे हम, फ्रूट खिलाएंगे पक्का वादा, ट्रस्ट मी कम ऑन ट्रस्ट ट्रस्ट। कैरेक्टर में ना जाए जल्दी खत्म करें इसको, आगे सवाल पूछना है मुझे। ये हाँ, नेवर नेवर हैव आई एवर सेड यस टू अ रोल आई डिड नॉट लाइक। ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपने किया हो जो बिल्कुल पसंद नहीं था? क्या हुआ बेहोश मत होइए, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं किया? वैसे ऐसा होता है ना, हम कोई काम हम कोई कैरेक्टर करते हैं हाँ मैंने किया याद आया, याद आ गया ऐसा ये लड़का हमारी सारी बोतलें खत्म कर देगा आज मुझे लगा। ये मैंने किया है कैरेक्टर, बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन किया। और किया क्यों था ये बता? यार किया यूं था क्योंकि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, और कर वो एक मैंने कैरेक्टर कर लिया और उसके बाद मुझे कौन इतना बुरा लगा। मैं बताऊं कौन सा? कौन सा बताएं बताएं? हल्ला गुल्ला। वो तो पूरी फिल्म थी, वो कैरेक्टर नहीं था। वो तो फिल्म थी ना, कैरेक्टर थोड़ी था। हल्ला गुल्ला फिल्म में थे आप? तो मैं नहीं था, मैं नहीं था। असल में मजाक कर रही है। क्या मसला है? हल्ला गुल्ला कोई फिल्म थी? हल्ला गुल्ला फिल्म नहीं, 4.5 मिनट लगी थी पूरी। नहीं मैं आपको बताऊं, अभी भी हल्ला गुल्ला टॉप 10 जो वर्स्ट फ्लॉप मूवीज है ना उसमें नहीं है, 11th पे। नहीं नहीं 11th पे एक नंबर से। भाई बात सुने, जब हम काम कर रहे होते हमें नहीं पता होता ये चीज हिट होगी या फ्लॉप होगी। आपको मैं बात बताऊं, हल्ला गुल्ला में मैं भी था, मैंने छोड़ दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ना आपने प्रोड्यूसर से मीटिंग करने आ जाए, DHA फेस 2 में ऑफिस था, तो मैंने गया। जब मैं बिल्डिंग में चढ़ा ना, मैंने कहा ये तो मुझे बेच रहे हैं अपने। एक अजीब से सिंधी से अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इनका पैसा है, मैंने कहा इनका पैसा है तो घर भी ले जाएंगे शूट के। मैंने छोड़ दी फिर याद आ गया वो अल्लाह बल्ला 2 थी। आपको सीक्वल मिल रहा है? मैंने कहा इसमें तो सिर्फ हल्ला गुल्ला इनको मिलेगा। यार प्लीज यार क्या याद दिला दिया। नहीं लेकिन मैं आपको सच में बताऊं, एक्टर जब काम कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट कहां जाएगा, तो इसमें इतनी कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, पीना था भाई हल्ला गुल्ला भाई, ऑन करना चाहिए हर चीज, ऑन करना चाहिए। ऑन करें कैसा? हाँ जी, कोई कैरेक्टर नहीं किया आपने ऐसा जो आपको ना पसंद आया लेकिन आपने कर लिया? कोई ऐसा अल्लाह गुल्ला किया आपने? नहीं कोई ऐसा, सब कह रही मुझे पीना ही नहीं पसंद आ जाता। अच्छा जी, नेवर हैव आई एवर ट्राई टू कट माय ओन हेयर। नेवर नेवर माय बेटा आपने नहीं किया? आज का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ये। नहीं नहीं डिजिटल पे मैंने नोट किया हर कौन कर रहा भाई है वो सारे जो क्या होता है सारे वो कर रहे हैं आजकल। मैं बड़े दिन से सोच रही थी मैं बाल काटू, क्वारंटीन की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई, आज मैं काट लिया, पहले मैं यहाँ से कट फिर मैं यहाँ से कट, बैंग बहुत चल रहा है। अरे बैंग बैंग होते हैं बाल का, वो जो भी जो भी। अच्छा जी, नेवर हैव आई एवर हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ मेरे साथ तो हुआ है। हाँ कोई ऐसी चीज क्या आपको लगा मर गई हो, कुछ ऐसा हुआ करीब करीब मौत को करीब से देखा हो, उफ ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। No. Okay, luckily, very good. Never have I ever completely blanked out while on stage or performing. During a scene.
अक्सर हो जाता है, ये तो हो जाता है, आदमी एब्सेंट हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है जी आदि भाई, ब्लैक आउट हो जाता है, हो जाता है यार। आज कैसे बार्टेंडर हो तुम, खत्म ही नहीं हो रहे शॉट, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा चलो भाई, ज्यादा ना हो जाए यार, आप फैमिली के साथ हो, मेरे साथ लेडीज है यार, लेडीज मेरे साथ लेडीज है। अच्छा यार ये क्यों नहीं भर रहा? अच्छा दूसरा फ्लेवर, दूसरा फ्लेवर, कस्टमर बोर ना हो यार, कस्टमर बोर ना हो। अच्छा जी ये ले चलें, ये तो नहीं हो, चाय पिला रहा है। हाँ ठीक है, चाय है, बाकी मुझे बात है, ठीक है। Never have I ever accidentally said I love you to someone. एक्सीडेंटली कौन कहता है ये? एक सेकंड, कुछ हुआ है? सूरत एक्सीडेंट, कुछ हुआ है भाई? ऐसा एक्सीडेंट बोला है, लव यू टू होता है भाई। मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं बोला, किसी को भी बोला, किसी को नहीं बोला, आई एल यू बोलती है, इल्लू इल्लू, इनके जमाने का इल्लू इल्लू, 143 ये क्या 143 ये तो तला जाते हैं, आई लव यू 143 तुम्हें 143 नहीं पता? झूठे 143 क्या मतलब है? मोहे मुनी 143 आई लव यू, कैसे कैसे हो गया भाई? 143 है, लव इज 43 इज यू, 298 बोला है? नहीं सोचो क्या है ये? मुझे नहीं बनाना, ये मुझे नहीं बनाना 298। आपने किसी को 99698 बोला है? नहीं वो आप नंबर दे रहे थे ना, मुझे पता है, चुप हो जाए आप, ठीक है। Never have I ever been caught cheating on a text, test or exam. चीटिंग करते पकड़े गए? लेकिन पक्की की है, पकड़े नहीं गए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। कैसे किया आपने नकल, जरा मैं जानना चाहूंगा, क्या पकड़ी नहीं गई? खुद किया था किसी को देख देख के, या वो क्या करवाई थी? पेपर एक्सचेंज कर, पेपर एक्सचेंज कर लिया, कहाँ के माड़ी में दे रही थी एग्जाम, माड़ीपुर गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स, सफाई से किया ना, तीन शादियां हुई और आपने कहीं मुझे बीच में पकड़ा। अच्छा बताए ना कैसे पेपर एक्सचेंज हो जाता है यार, बड़ा इजी है, कैसे होता है? अच्छा ये नाइस, बड़ा प्रो काम किया आपने। नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन अ को-स्टार। चले कौन सी बनाऊं के लिए, कौन सी बेटा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हो सकता है, हो जाता है। मुझे तो क्रश, मेरी तो शादी हो गई ना, जी जी आपकी शादी, बट दैट वाज अ क्रश ना, मैं तो एलिजिबल नहीं था, मेरी तो क्रश तो नहीं हुआ ना, साल मेरी तो शादी है, मैं कह रहा हूँ ये आसान है, अरे पी लें पी लें, आसान है, क्रश क्रश नहीं हुआ भाई, नहीं नहीं आपने हाँ कर लिया था, चले चले आपने हाँ बोला, चले आपने हाँ कर लिया था, हमारे पास कैमरा मौजूद है, आपको कभी किसी को एड्रेस से क्रश नहीं हुआ? Are you sure? Are you about what you confirm? क्या? बाकी बात है ये कह रही हूँ। बताएं? नहीं 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 हुआ भाई, चलो यार नहीं करें ऐसे यार। झूठ बोल रही है मुझे। आपकी आंखों की चमक बता रही है। अब तो पीना पड़ेगा। चले पी पी। कुछ नहीं होता। माँ शक्के बड़ों के डॉक्टर बनेगा बेटा मेरा। ये आया एरोप्लेन। इनका बेटा वो एक अलग कहानी है। एरोप्लेन आया। अच्छा अब आपने पी लिया है तो आपको बताना पड़ेगा कौन था। नहीं 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 और मैं बता दूंगी ना। नहीं तो बताए ना क्या इस प्रॉब्लम क्या है। हाँ क्रश में क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई आप देखें शादीशुदा आदमी है मेरी। अच्छा, हो अभी हुई नहीं है ना। ये खाली होने वाली है ना, शुदा है। हाँ खाली शुदा। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, इट्स ऑलराइट। हां नेवर हैव आई एवर फैजान, तुम्हें कभी क्रश हुआ किसी को एड्रेस से? हाँ किससे? शादी कर ली मैंने उससे। सेफ जवाब, सेफ जवाब। इसके बाद परिंदे खुलेंगे पीछे से, अभी फायर वर्क है, फिर डांस नहीं हुआ भाई, शादी कर ली, खत्म हो गई। चलो अच्छी बात। हां और एक और पे हुआ था, उसने खुद शादी कर ली कहीं और। नेवर हैव आई एवर गॉन थ्रू समवन्स फोन विदाउट परमिशन। किसी का फोन चेक किया आपने विदाउट परमिशन? ये जो आप सोच सोच के हंस रही है ना, नहीं नहीं ये करने से कुछ नहीं होता, आपकी हंसी पकड़ी गई है, जल्दी बताएं। नहीं भाई बहुत बुरी बात होती है। किसका फोन चेक किया आपने? बुरी बात होती है लेकिन आपने तो किया ना। किया कभी भी नहीं? किसी दोस्त यार का भी नहीं? नहीं नहीं जरूरत ही नहीं। मैं तो इसके फोन से जवाब देता हूँ लोगों को। हाँ जवाब दे, आपको डॉक्टर की जैसे जवाब है। हाँ नहीं नहीं किसी का मैसेज आया, खुद ही खोला और ऐसी जवाब दी थी, इसको पता भी नहीं है। अच्छा क्योंकि मैं भी ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती नहीं, ये तो रंज है इसका। इसने जो फेसबुक बंद किया वो मेरी वजह, मैं हूँ उसकी। अच्छा इसका फेसबुक खुला होता था और मैं लोगों को ऐसी रैंडम ऐड करता था, स्टेटस लगा दिया वहाँ पे जाके। नहीं नहीं स्टेटस तो बच्चे करते ना, क्या मैंने कुछ लिख दिया, लोगों को ऐड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं ऐसे। ये और इसका और माम का एक ही मसला, मेरा फोन देखते इनको कुछ हो जाता है। अभी आखिरी बार इन्होंने फोन देखा तो 3000 सेल्फियां लेके मेरे फोन में छोड़ दी। मैं अपने पजामे वाली तस्वीर ढूंढ रहा हूँ, उसमें माम की नाक आ जा रही है। पजामे वाली तस्वीर की ढूंढ रहा था भाई, वो मैंने आपको दिखा नहीं। यहाँ रख के ना आप बहुत सारे एक साथ सेल्फी ले सकते हैं। नेवर हैव आई एवर हैड अ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस।
पैरानॉर्मल तो हुआ हुआ था एक दफा हुआ क्या हुआ दोनों बताएंगे क्या हुआ था बिल्कुल पुराने शॉट्स आपके भी उतारे पड़े ये दोनों पे यार मैं तो शूट कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी के एक असाइनमेंट को तकरीबन रात के 3:30-4 बजे हम एक हॉरर मूवी बना रहे थे ठीक है हमने घर लिया हुआ था जो कि पिछले 30 साल से नहीं खुला था और एक दोस्त का था और उस घर पे केस चल रहा था तो वो पिछले 30 साल से बंद था तो हम पूछ के अंदर चले गए और शूट कर रहे थे पीछे दरख्त वाली साइड पे तो हमारी अब हुआ हमारी लाइट्स वगैरह टूट गई फिर हम लोग भागे सारे वहां से और जब सब निकल गए तो यूनिवर्सिटी से हमने सारा इक्विपमेंट लिया हुआ था तो एक जो HMI थी वो रह गई अरे बाप रे अंदर वो रेड लाइट HMI उठाने कौन जाए 3 बजे आज तक वही है HMI या ले आया नहीं मैं ले आया ऐसा तो नहीं हुआ उसके शूट के अंदर आपका सोलो बन रहा हो और मॉनिटर में देखो तो 2 शॉट हो रहा हो पीछे कोई साथ खड़ा हां जी अच्छा तो मैं सो रही थी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे रूम में कोई चीज नजर आई और मैं डर गई और मैं आवाज निकालना चाह रही थी और मेरी आवाज निकल नहीं रही थी हमने अपने दोस्त के साथ एक शरारत की थी बकरा ईद पे हुई थी हम ना दोस्त यार इकट्ठे थे और एक दोस्त ने कहा यार मैं ना जब भी फ्रिज खोलता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ल अंदर पड़ी भी होगी अच्छा। तो हम सब ने मिलके ये बात की और उसके बाद एक दोस्त जो हमारा सबसे ज्यादा डरता था ना उसको हमने कहा यार जा यार पानी तो ले गया तो जब वो पानी लेने गया तो उसने जो बकरा काटा था ना हमने उसका मुंह फ्रिज में रख दिया था यार इससे कौन डरता है तो इतनी लंबी कहानी खाली ये सीरीज थी हां मैंने कहा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं पैरानॉर्मल थोड़ी है हम खुद एबनॉर्मल हां एबनॉर्मल एक्टिविटी ये क्या है तुम पियो बकवास नहीं करो अच्छा मैं कह रहा तुम फ्लो में पी लोगे तो वातीन हजरत ये था नेवर हैव आई एवर आपने देखा काफी लोगों ने काफी चीजें पी क्या हुआ क्या हुआ क्यों पिया तुमने सलाम मैं दोस्ती के लिए जान भी दे सकता हूं ओके मेरे दोस्त नहीं हूं हां मुझे पता था कवातीन हजरत ये था नेवर हैव आई एवर लेकिन अभी भी शॉट्स बाकी जब तक शॉट्स नहीं पिएंगे ब्रेक नहीं हो सकता जी चलें प्लीज 1 2 3 गो ब्रेक बताइए ब्रेक से वापस आइए आप देख रहे थे मजेदार शो शकर भंडारे ओ शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारे आओ शकर भंडारे ओ शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो खिड़कने खसी दूर पोता सी जारन पीपे जिंद पया सी खिड़कने खसी दूर पोता सी जारन पीपे जिंद पया सी लोलो ठंडावे आजी लोलो ठंडावे आओ लोलो ठंडावे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारे आओ शकर भंडारे ओ शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो फुल खुलारे नैना थाड़े हस्ती मती रंग उतारे मोसे मिलन आयो शकर भंडारे पूरा पिया मोसे मिलन आयो मैं आपको बताऊं मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं लेकिन इससे अच्छा लिपस्टिक करता हुआ किसी को नहीं देखा यार उन्होंने लाइव गाया है यार क्या बदतमीजी है लाइव बोलना है लाइव गाया उन्होंने जी लाइव गाया बहुत अच्छा लाइव गाया वेलकम बैक जी ये हमारी जैसे ही ऑडियंस लाइव थी वैसी काशवा ने लाइव जोरी ऑडियंस बाद में जाएगी खवातीन हजरात अब हम खेलने लगे श्रेड्स मजेदार होगा कुछ यूं कि आप और सुबूर एक टीम है मैं और आदि एक टीम है अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कैसे चेंज होगा कि आप मुनीब एक टीम हो जाएं अच्छा ऐसे ये ऐसे चेंज होगा सॉरी सॉरी ठीक है जी तो सबके पास अपने अपने कार्ड्स मौजूद हैं
ये क्या हुआ? चीटिंग नहीं करानी, छुपा रहे थे, छुपा रहे थे। नहीं हम तो दिखा सकते ना जी, बिल्कुल। सॉरी, ठीक है जी। तो पहली बारी है सबूर की, आप परफॉर्म करेंगी और मुनीब गेस करेंगे। ओके, क्या है? मुहावरा है? हाँ मुहावरा। ओके, उर्दू में इंग्लिश में? उर्दू English, you your face and English mahavra you do. You do. Okay. हाँ जी. यार face के साथ. पंखा. आसमान से गिरा खजूर मटका. अरे वाह यार. Well done. जबरदस्त. आदि भाई इतने अच्छा कीजिएगा. हाँ हाँ. अल्लाह खैर करे. चोर की दाढ़ी में तिनका. आला ला. वाह यार. आला ला. समझा. जी मुनीफ. चोर तो चक्कर. हमारी बारी है. हाँ जी हाँ जी आपकी बारी. चलें. चिप चिप क्या पिच पिच गीली बिल्ली है चिप चिप मैंने गेस करना है ना जी ऑब्वियसली और काशी भाई तुझे करेंगे बिल्ली हाँ हाँ ये बड़ा कैसे भाई बिल्ली तो नहीं था नहीं हाँ ये बिल्ली बिल्ली कुत्ते वाले वो मुझे आता था ये मुंह अरे यार बड़ा इजी है बहुत आसान है हाँ आता था मुझे आता था पहले आता था सोच क्या चल भाई बिल्ली के हाँ बिल्ली के दाढ़ी में दिंगा इतना आसान पूरा कर दिया अरे यार पूरा कर दिया पूरा मुहावरा कर दिया बिल्ली खरोंचे दीवार की निशानियां उसको पता ही नहीं है ना अच्छा मुहावरा ही नहीं पता उसको आसान करता हूँ बिल्ली कुछ नोचती है क्या दीवार काली दीवार समझ गए तुम समझ गए समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ये होता है खस्यानी बिल्ली खंबा नोचे याद आता खस्यानी बिल्ली खंबा नोचे हाँ अच्छा आदि भाई ओके ओहो बहुत सारा ये तो हाँ हाँ सौ ये क्या इशारे कर रहे हो भाई आप और मुनीम में आपने पिछले सेगमेंट में बहुत शॉट्स पिए उसका नतीजा है चल आप और मुनीम टीम में हाँ हम दोनों टीम में यही बोला था अगर ये एपिसोड रिवर्स करके देखे तो यही बोला था नहीं तो चेंज करें हम क्या चेंज करें ला कोर्ट दे हम नहीं नहीं टीम चेंज करें टीम टीम नहीं टीम नहीं चेंज करें अब ये नहीं हुआ ये अंडू हो गया अंडू ये अंडू हो गया तुम वो हो गए ये अंडू हो गया और तुम वो हो गए कंट्रोल सी अरे कौन है सीटी ये अंडू और काशी भाई भी अंडू खवातीन हजरात चलें काशी भाई बहुत ही अंडू है गाना गाते हैं अंडू करते हैं गाना गाते हैं अंडू करते आप परफॉर्म करेंगे मुनीब गेस करेंगे आस्तीन का सांप यार आस्तीन का सांप आगे तो सारे मुहावरे पता हैं इस वजह से आस्तीन का सांप घूमने गया वापस आके आस्तीन में बैठ गया क्या आप बोले आगे क्या मतलब आस्तीन का सांप बस इतना मुहावरा है आस्तीन का सांप मुहावरा क्या सांप की कहानी से आप जैसे पहले लिखा है सांप की कहानी सांप की कहानी में सुनाना एक सांप बहुत मशहूर है चलो तुम्हारी बारी अच्छा खबरदार नहीं बिल्कुल नहीं हाँ बैल मुझे मार दोबारा आती दोबारा प्लीज मुझे अच्छा लगा बैल में तो बड़ा सूट गया ये अच्छा था मुझे मारना जी मुनीब चले मुनीब बगल में बच्चा ढंडोरा पूरे शहर वाह भाई वाह बगल में बच्चा शहर में ढंडोरा दो ढंडोरा बच्चा ढंडोरा पूरे शहर में बड़ी बात अपना एडिशन भी अच्छा किया आपने ठीक है क्रिएटिव ओके और यार ये तो मुश्किल काम है कैसे हो पाएगा भाई बहुत आसान है अच्छा बताओ जी पानी लहरें पानी पानी हाथ मिला के पानी फिटे मुंह क्या है लहर पानी समंदर दरिया 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 में फेंका क्या फेंका ये यही बताना क्या फेंका दरिया में पत्थर फेंका दरिया में क्या फेंका दरिया में फेंका ये होता है जब पता नहीं होता दरिया पे मिट्टी डाल नहीं मिट्टी पाओ मिट्टी मिट्टी से पहले क्या है मजदूर दरिया किसमें होता है साहिल साहिल खान नहीं नहीं कौन साहिल अरे नेकी कर दरिया में डाल नेकी कर दरिया में डाल ठीक है क्या नहीं गेस किया तुमने चले सबूर आपकी बारी मुनीम ने गेस कराएगा नहीं गेस कराया हमने हार मानी तो किया चले बराबर हो गया हमारे हाँ चले चले मतलब गेम खेलते हैं नाचना जाएंगे आंगन टेढ़ा यार यार ये अच्छा है यार असल में इसको सारे मुहावरे पता है बात अच्छा सारी है अगर यही उल्टा होता तो बहुत देर लग जाती हाँ अंधा क्या मांगे दो आंखें अंधा क्या चाहे दो आंखें दोनों को सारे मुहावरे पता है हम दोनों जाहिल हैं बस खुश हाँ यही चाहते थे ना सुनना हाँ जी मुनीब ये बहुत मुश्किल है कौन सा
कौन सा शर्मिंदा हो बेशर्म टाइप इसने अपनी कोई इसने की शर्म उसके बूटे कर अरे वाह यार वेरी गुड हमारी एजुकेशन को आपने तंग किया ये अच्छा था यार ये तेरा मुश्किल काम था अच्छा मैं लात लात भूतों के लात भूतों से नहीं मानते ना नहीं सही बताओ पैरों के लात मानने भूतों के लात पैर हाथ अरे लातों के भूत हाथों पैरों नहीं मान रहे नहीं सही बताना है लातों के भूत हाँ मुंह से नहीं मान रहे लातों के भूत मुंह से नहीं मानते लातों के भूत बातों से नहीं मानते बातों से नहीं मानते मुंह से नहीं मानते क्या बातें मुंह से करोगे हाँ मुंह से करेंगे जी ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या ये पश्चतो में लिखा हुआ दगड़ा था मगड़ा था मुझे बताएंगे क्या लिखा चलो ये अपनी बातें लिखी टाइपराइटर ने अपनी बातें लिखी है नहीं कुछ गलत लिखा होगा ये तो मुझसे भी नहीं पढ़ा यार हाँ ये भी है हेल्प के लिए बोल किसको रहा हूँ ठीक है ये वाला कर आसमान से गिरा नहीं है ना गिरे जा रहा है ऊंट चल हाँ हाँ ऊंट हाँ ऊंट खा रहा है ऊंट ने खा लिया कुछ ऊंट ने सवाल लगा रहा है ऊंट गुठली खजूर ऊंट लिप्स ऊंट 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 के होंठ ऊंट के होंठ बुलडॉग्स के फुटफुट ऊंट क्या बोल रहा है एक सेकंड ऊंट है उसके अंदर सही कर रहे हैं फर्स्ट है ऊंट ऊंट के मुंह में खाक ऊंट के मुंह में घास अरे नहीं यार सब तो बता दिया बोल गया आपने फाइव ऊंट के मुंह में मिश्री ये देखो बिस्किट्स के नाम लो डिफरेंट में बिस्किट्स के नाम ये देखो बहुत आसान है ये ऊंट के मुंह में चारा नहीं ऊंट के मुंह में हाँ खाने की चीज है जिंदा नहीं जिंदा जीरा वेरी गुड भाई बिल्कुल पता ही नहीं चला बिल्कुल पता ही नहीं चला कि आपने बताया यहाँ से आवाज आती है वेरी गुड जी मुनीश ठीक है पहले मैं बोलने लगा नहीं ना यार अभी पिप वाला नहीं सही नहीं है खीरा पहले ये गेस कर रहे थे ऊंट के मुंह में खीरा शुक्र है कि वो जीरा हो गया ये अलग चलो करूँ किसने करना है मुनी परफॉर्म करेंगे क्यों अच्छा आप कर लो यार अभी ऊंट वाला किया ना हाँ अच्छा मैं करता हूँ खीरा अच्छा चलो आधा ये क्या है हैं हाँ ये क्या था आधा ये परिंदा हाँ ये क्या है ये करो आधा ठीक है हाँ परिंदा हाँ फिर से आधा आधा तीतर आधा बटेर वाह 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 वेरी गुड जी मुनीब अच्छा बताया हाँ यार कि परिंदा लग नहीं रहा था ये बिल्कुल भी परिंदा चिड़िया कौवा चील बाज परिंदा बादल परिंदा मोर ये मोर है तो क्या है ये तेरे हाथ है उड़ना परिंदा ये क्या है पर अरे परिंदों के नाम क्यों नहीं ले रहे परिंदों के नाम ले कुत्ता नहीं कोयल चीचड़ जो बेसिक है उसका नाम नहीं ले रहे परिंदा का नाम तीतर नाम लू ना तो कबूतर कौवा तोता 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 क्या जाने अदरक का स्वाद अरे नहीं भाई बंदर होता है उड़ गया हां सही है तोता उड़ गया जेंटलमैन तोते उड़ जाना सही तो बोला तोते उड़ गए तोता उड़ गया जेंटलमैन अरे लड़की वालों के तोते उड़ गए ठीक है अच्छा जी आदि बहुत मुश्किल काम है कोई बात नहीं करेंगे बड़ा बहुत ही बड़ा हां ठीक है बड़ा मुझे बताओ उससे बड़ा बहुत बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नीचे वाला टाइट क्या है ये मामला बड़ा बहुत बड़ा छोटा वाला बहुत टाइट ठीक है बड़े मियां छोटे मियां अरे यार तो और क्या है ये तो अमिताभ बच्चन का गाना नहीं है बड़े मियां बेटा उन्होंने मर्जी से रखा मुहावरा भी है हां मुहावरा भी है वरना उर्वा भी हो सकता अगर आप चाहें तो आगे बताओ ये मुहावरा है हां बहुत जी सबूर आपकी बारी
बोलना नहीं मुंह से। आंख आंख बढ़ गई, आंख से उजल, आंख का बढ़ना। नाइस नाइस नाइस। आंख उजल, हाँ सही कर रहे हैं आप यार। घर, हाँ ये आपने बनाया घर है, जो आप बनाना चाह रही हैं वो नहीं लग रहा है। आंख से उजल, ये घर ही होता है। आंख उठी मोहब्बत वैसे गाना याद आ गया यार। आंख पहाड़, हाँ 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 पहाड़, नहीं नहीं पहले वाला दो, पहले वाला दोनों दोनों ठीक था। सारी बातें आंख से उजल पहाड़ पे चढ़ गया। नहीं आंख उछल बोला था ना आपने, फिर पहाड़ बोल दिया और पूरा मजबूत मजबूत बोल दे तो बन जाएगा पहाड़ भाई। आंख उछल यही तो बोले। अच्छा अब मेरे पास खत्म हो गया तो मैं अपना करूंगा। क्या करोगे? अपना मुहावरा करूंगा। अल्लाह खैर, अपना मुहावरा कर लोगे तुम? हाँ। ये क्या बोतल? आम, आम चूसना, ठीक है। हाँ ये कौन सा मुहावरा है? गुठली, गुठली, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। अरे वाह, ये मुहावरा है ना, मुहावरा है। लेकिन आम खाना था उसमें, तुमने आम चूस लिया बिला वजह तो चूस के खाया ही है। नहीं आम खाएगा पूछते हैं उसमें, तो आम खाएगा तो कोई और करेगा ना फिर। अच्छा अरे ये नहीं हो सकता जी, कैसे होगा भाई? अच्छा अब तुमसे नहीं हो रहा, हमसे तो हो रहा है। अरे चलो। अच्छा ओ टीम अप हो गए दोनों, मंगनी करो है। इससे अच्छा नहीं कर सकते हो, इससे अच्छा नहीं कर सकते हो। ये क्या है थद? मारो मंगनी। हाँ मारो नहीं है, गौर से देखो लगा झटपट मंगनी पट पट ब्याह। झट मंगनी पट ब्याह, वेरी गुड, वेरी गुड। मुनीब सबसे अच्छा खेल रहा है। अच्छा अब आप सुबूर की बात, अपना मुहावरा। नहीं नहीं मैंने तो पांच पूरे कर दिए। कर दिए पूरा आपने? अब मुनीब ने बताना है। पांच हमने भी पूरे कर दिए। नहीं नहीं कुछ तो बाकी होगा दोस्त, मेरे छह थे ना, हो गए पांच पूरे हो गए। नहीं तो ये करें ना। क्या ये? हाँ क्या हो गया भाई? नहीं नहीं मुश्किल है ये। मैदान नहीं, दायरा। कैसे कैसे एक बार वैसे बताओ, बिल्कुल कार साथ वाली डॉल्फिन सही किया है। कार साथ वाली डॉल्फिन लग रहा है ये क्या है यार? दलदल, ये कुआं, अंधे कुआं, कुएं में छलांग मारी मर गया। कुआं, कुआं ये क्या है? कुएं में छलांग, तब बता कुएं की, बता उतरना कुएं में बच्चा। अबे मेंढक भाई क्या हो गया, और कैसा मेंढक बनूं, प्रार्थना करना शुरू हो जाओ। कुएं का मेंढक, मेंढक को गुस्सा आ गया, कुएं का मेंढक, और कैसा मेंढक बनूं मैं? कुएं का मेंढक होता है ना, कहते हैं क्या यही है ना भाई, कुएं का मेंढक। ठीक है आदि आपकी लास्ट बारी, मेरे कंप्लीट हो गए। अच्छा अब सोचना पड़ेगा। हाँ कुछ सोच के समझ के, ये आखिरी है, इसके बाद ब्रेक है, जल्दी से बताओ। अच्छा टीमिंग चल रही है, ये आसान है तो। हाँ ये क्या है? बंदर है। हाँ बंदर, मैं बंदर हूँ। नहीं नहीं बस मैं पागल हूँ। हाँ इमली, बंदर इमली का आ रहा है, अजीब सा हो जाएगा मुझे। बंदर, बंदर है, बंदर काट दिया, काटा बंदर, गेस मत करना, बंदर को काट के खा लिया। बकवास कर रहे हो, तुम समझ आ रही हो क्या कह रहे हो? कैसे बंदर काट दिया? ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं देखो अरे सोप थोड़ी है बिना वजह के भाई, बंदर ड्यूरेशन बढ़ा रहा है। हां बंदर क्या? हां क्या बंदर? हां क्या बंदर? अब तो पक्का बंदर क्या, मजे का नहीं बंदर रूट कैनाल हुआ दोनों का यार ऐसे बंदर, बंदर का रूट कैनाल, बंदरक क्या, बंदरक, बंदर क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी स्वादी नजर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो और मेरे साथ मौजूद हैं आदि आदि लमजे जो के पैसे गिन रहे हैं। आदि भी क्या कर रहे हैं? 100-100 रुपए के नोट सीबी में गुब्बारे बेच रहे हैं आपने। अभी जब आपको मिलेंगे ना और आप लालचियों की तरह और मांगोगे फिर मैं देखूंगा क्या होता। अच्छा होगा कुछ, हम खेलने लगे कंप्लीट द सॉन्ग। मजेदार 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 मजेदार। काशी भाई आधा गाना गाएंगे, आधा में गेस करना है और उसमें हमें ईदी मिलेगी। ओ वाह, अब बताओ। वाओ वैसे मिलती है ईदी, अभी या तो का कलर समझ नहीं आ रहा, देने वाले एंड पे आ रही है, मिलती है अब तो आप कहां मिलेगी, देने वाले एंड पे आ देनी पड़ती यार, ये बड़ा मसला हो गया। आप ईदी नहीं लेती किसी से? नहीं देती हूं किसी से भी, नहीं ईदी लेती कोई भी नहीं, कोई भी नहीं देती, कोई नहीं लगा रहा मुंह। ओहो आपको नहीं भाई देनी पड़ती। अच्छा मेरी अम्मी तो मुझे देती है 100 रुपए अभी तक, 100 रुपए वेरी नाइस, मुहावरा नहीं गाना।
सोचा क्या कभी ये तूने बस कि तू मेरी कौन है, कभी तूने ये सोचा क्या मेरा कौन हूँ, हमको सताए रे आगे बढ़कर ऐसा जाना बेकार है, सुन रे सजनिया सुन रे सजनिया गाए ना सुनाया हमें मैंने भी रख दिया है जैसे हर सुबहार है, दिया नहीं जाए रे फिर बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है, दिया नहीं जाए रे फिर बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। जी यार बहुत आला यार काशी भाई, अब हमारी बारे में बदला नहीं लेना, अगर आपने बुरे गाने गाए रिलैक्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट रिलैक्स जाने क्या ले आए हैं, पागल हो तुम बिल्कुल ही पागल, बस बस इसी गाना है, इसी गाना है ना, आप गा लें पूरा गैस करो भाई, हार मानी भाई, नहीं नहीं हार नहीं है, माइनस गैस करने पे वही आए हैं, जाने क्या ले आए हैं, जीवन मेरा साया तेरा, जीवन मेरा साया तेरा, जीना तो एक बहाना है, क्या कहां से शुरू होता है, आज फिर घर जाना वो तो आपने जाना है शो के बाद, फिर वही कौन सा गाना है, कुछ फिर वही कहां पहुंच गए, वो तो घर पहुंच गए, यहां से लेफ्ट, यहां से लेफ्ट ले ले, करीब पहुंच, जीवन मेरा आगे क्या था आगे चले गाना तो बताओ ना, शाम से पहले आना, धूप सारे बड़ी मेहरबानी, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले बस इस गेम में ना हमारे फेवरेट गाने अपने अब्बू के फेवरेट गाने नहीं गाने हाँ जी चले इन लोगों की बारी, 1-0 हो गया, 100 रुपए कमा लिए, आंसर आएगा देखना, सा समंदर पार हो तेरी मुझे सात समंदर पार तेरी हर याद मुझे पल पल तलवा, स्कूल याद आ जाता है, चुप 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 तेरे बिना दिल ना लगे, वेरी नाइस, पाकिस्तान हो तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे, पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे, वेल डन गाइस, बहुत आला, 300 रुपए कमाया, अभी देखना मुश्किल गाएगा, हाँ पता है हमारे खिलाफ है लड़का, गोरे गोरे माथे पे चमकती है बिंदिया, चांद सा दमकता है एक एक झुमका, नजम लॉन्ग गवाचा, लॉन्ग गवाचा, लॉन्ग गवाचा, नहीं नहीं लॉन्ग गवाचा, गवाचा पाकिस्तानी गाना, नजम भाई का गाना है ना, फिर से गाएं एक बार, गोरे गोरे माथे पे चमकती है बिंदिया, चांद सा दमकता है एक एक झुमका, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई, मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई, दिल ले गई, सलामकुम चाचू को सलाम करो, सलामकुम, थैंक यू, 200 रुपए दे दी डायरेक्ट पहले गाने पे, हां नहीं पहला नहीं, हम 200 चल रहा है ना रेट, हां अच्छा लेवल अप हो गया था, ओके चलें जी, रात अंधेरी अल्लाह इतना गिनू मैं तारे, इतना आसान गाना, रात अंधेरी तारे गिन गिन याद तेरी गिनू मैं तारे, कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे, बेटा पूरा गाना गा दो, चल गा मुनीब
लागे ना मोर दोबारा 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 रात अंधेरी गिनू मैं तारे रात अंधेरी गिनू मैं तारे कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे दोबारा दोबारा ये पूरा एल्बम सुन ले गए थे लागे ना मोरा जिया 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 सुन रे मोरे प्यारे साजना सुन रे मोरे प्यारे साजना बोला तुम बिने जिया नहीं लागे अच्छा मुझे मुझे आ गया था लेकिन याद नहीं आ रहा था अब्बास अली खान साहब को गाना है माशाल्लाह आप पानी में नींबू उस्ताद अब्बास अली खान साहब मैं बिल्कुल याद आ गया मुझे चलो आगे चलो क्यूटा जब तुम्हें चांद देखे जमीन पे आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे यो सईद वाला गाना तो नहीं है यो माय गर्ल मैं तेरे नाल नाल रहना हां बता तो दिया अब क्या ऐसे मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना जानिया वेरी गुड 200 रुपए और लड़का रोमांटिक गाने सुनता है ना बिल्कुल लड़का चाह रहा है अकेला बंदा यही काम होता है उसका इंसान है ही प्यार का पुतला चलो वेरी गुड 300-400 हम जीत रहे इस बार 100 रुपए से भाई आप रेट बढ़ाओ यार अमेरिका के ना जापान के बस आसान है बस भाई नहीं सुने भी ना पाकिस्तानी पुराने गाने नए गाओ ना नहीं पुराना नहीं है ये अरे तो अबे आज के गाने भाई बहुत पुराना है यार आज के गाने गा लो यार आज के गाने बहुत आसान है सुनो सुनो मैंने नहीं सुना वाला नहीं सुना 100% थोड़ा सा आगे हां 100% तुमने सुना है अगर आपने नहीं सुना तो आप फॉरनर हो के ना जापान के अमेरिका के ना जापान के हम तो है दीवाने मुल्तान के सावली सलोनी सी महबूबा यार आप दोनों ने सुना हुआ है तेरी चूड़ियां चेंज करके जाने कैसी आस ऐसे लगे ना कि प्लांटेड है हमारी बारी चले होना चाहिए एक मिनट मुश्किल दुश्मनी तो देखो मुश्किल आप देखें रेट बढ़ चुका है मार्केट का नहीं तो अभी कैसे बढ़ा ये कौन सा आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है भाई खुद ही रेट बढ़ा रहा है खुद ही एलन मस्क 200 होने चाहिए आपके पास नहीं 400 है हमारे पास तो हमें पहले 100 रुपए दिए पहला गाना था ना तो आपको तो 200 मिल गए मैंने दूसरे लेवल पे पहला गाना गेस किया बॉस नहीं ये तो गलत है आपका मैच वीक चल रहा है लेवल कौन डिसाइड करेगा भाई डॉलर का रेट बढ़ गया 300 पे आ गए नहीं 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 यही तो कुछ फहमी आप लोग की नहीं नहीं हो ना आप लोग 300 पे आ गए शाम का वक्त है 300 नहीं है फिर अगर आपने गैस कम किया आपको ज्यादा पैसे मिल गए नहीं दो गैस किए दो जो गैस कम कर रहा है उसका ही हो रहा है तो बात 200 वाले दो गैस किए मैंने सुने अब जिसने गैस किया उसको मिलेगा 100 नहीं 200 नहीं 300 नहीं फिर 400 बल्कि पूरा 500 500 का गाना है माशाल्लाह लाइक जी काशी भाई 500 वाला गाना छोड़े छोड़ो भी गिला बस नहीं हुआ जो हुआ तुम नाराज हो नाराज हो मैंने बोले पहले समझो क्या कहती है मेरे पास वो नाजुक नाजुक सी काली 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 नहीं प्यारी प्यारी सी जैसी भी थी प्यारी थी जाएगा है ना 500 मेरे हो गए नहीं मैंने पहले बोला था तुम नाराज हो बारी मेरी है मैंने बोला था तुम नाराज हो बारी बारी थी लड़ रही
जाते हो मैंने पहले कहा था तुम नाराज हो आप 300 दे दो 300 उनके 200 हमारे इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए नहीं नहीं बीमारी होती है आपका तो मुंह भी बड़ा ये लो भाई बीमारी होती है ये दे दो उधर गिनो नहीं बेटा बेटा जब किसी को देते गिनते नहीं 300 आपके 200 हमारे और बोले कैसा जबरदस्त ईद मुबारक लिखा हुआ भाई नहीं नहीं संभाली पाक चीन क्या कभी असली नोट देखा नहीं दोस्ती जिंदाबाद लिखा काजी को रिहा करो क्या भाई चले अच्छा सुने आप एक और नई डील आई है नई डील क्या आप जो भी गेस करेगा हाँ सो बिटकॉइन नहीं बताएं आप क्या चाहती हैं मैं चाहती हूँ जो टीम भी गेस करेगी वो सारे पैसे ऑल और नथिंग अगर हमने गेस किया ब्लैक चेक लाओ इधर लाओ तीनों वाले लाओ इधर दो ज्वारी ना बने वो आखिर में होना है ये तो ब्लैक चेक खेल रही है ब्लैक चेक सही है नहीं नहीं अब भाई प्रोफेशनल लास्ट गाने में इट्स नॉट अ जोक एनीमोर अगर अब जिसने गेस किया पहले वो अपने दूसरा उसको अपने सारे पैसे दे अगर आपने किया तो हम आपको सारे दे देंगे हमने किया मैं गाना बता रही हूं मैं गाना बता रही हूं कौन सा गेस कराना है वो कह रही है मैं गाना बता रही हूं अच्छा किसी से नहीं पूछना बीच में पूछना हम दोनों में से जिसने पहले गेस करा गेस से हुमस से पूछे सवाल इसी से नहीं नहीं यही करना है मेरे दिल विच और गाना अभी तो बराबर वो रिव्यू कर लेते एक बार क्या रिव्यू क्या हो गया ना हमारा हो गया आगे एक और गाना ये हो गया हो गया मैं तेन सबने साथ गेस्ट किया तो आधे आधे कर लो नहीं नहीं आधे 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 चलो चलो एक और ऑल और नथिंग नहीं है मैं तेन समझावा इमेजिन गाया था हमसे पूछा चले भाई लाइन पर्ची का गाना कम ऑन इमेजिन मेहमान है हम आपके शर्म आती है लड़की पैसे नहीं देगी कुछ भी कर लो तो गाना सुनाया पूरी डील को हम मेहमान शर्म यार आपने तुम्हें अपनी आंखों से सपनों में नींदो ख्यालों में दिल का करार तुम ही तो हो तुमसे ये कहना था हाँ तुमसे कहना था यार आप इतनी दफा बोला आप गाना पूछ लो आप पूछ ही नहीं रहे हो अबे तुम लोग क्या 9XM पे जॉब करते थे लो नच्चा में जाओ बच्चा बेटे क्या भाई मेहमानों को देखा गीत माला करते रहोगे तो मेहमानों को टीवी बनते यार ये ले 500 आपको और दे दिया आदाब किया था कि गेस हमने किया था लेकिन चले मेहमान है ना आप तो हमारे अब अगर अबरार का गाना नहीं आया अच्छा अबरार का पहले गाना बताओ कौन सा गेस करा रहे हो रोलिंग हो गई अभी मैं बता दूं कौन सा गाना गेस करा रहे पहले से बताओ किसका गाना है वो गेस करेंगे कौन सा गाना गेस करा रहे बताता हूं पहले बताए ना चाल तेरी मस्तानी है रुक जाओ यार ये बड़ा मेरा फेवरेट बचपन का गाना था हमने लास्ट शो में भी काशी भाई से गाना पूछा था अब वो नहीं बता पाए थे हमें बड़े ही अफसोस की बात होती है वाली कि काशी भाई को गाने नहीं आते आप ये 100 तो दे दो इनको जी आपका 100 और हो गया भाई सब बहुत अच्छा खेला आपने बिल्कुल गेस किया पता ही नहीं चला कि हमने बताया इस पे आपकी परफॉर्मेंस काशी भाई आर यू रेडी फॉर द फाइनल राउंड ऑफ यू गेस चले पूछे यादें बताए गाना बताए कौन सा बताओ ना सिंगर हो ना नहीं सोच क्या सोचना थोड़ी है रोजी रोटी सिंगिंग पे यार लिप्स पे होना चाहिए लिप्स पे सिंगर है नजूमी थोड़ी है कम ऑन यादें 5 4 3 2 यार काशी भाई इतनी अफसोस की बात है क्या गाओ ना याद तो आती ये तो नहीं यादें बोला यादें इतना आसान है नहीं आ रही
इतना आसान है पिछले शो में भी हुआ था आपके साथ। मैं बताऊं? हाँ बताएं। बस यादें 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 रह जाती। अरे यार आपने कैसे गेस किया ये क्या मतलब? जैसे ही आपने किया यादें यादें अल्लाह की कसम। गाने का नाम क्या है? काशी भाई इस पे माशाल्लाह शो पे भी वही और दूसरे आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। गाना दो बार पूछा दोनों बार गेस नहीं किया यार काशी भाई बहुत अच्छा गाना तो पूरा थोड़ा गाए ना बच्चे मेहमानों को दे आओ चले गाएं गाएं यादें शकल बस यादें 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 रह जाती है कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है बस यादें 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 रह जाती है कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है बस यादें। Well done guys, आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। शाबाश। और काशी भाई का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें पाकिस्तानी सारे गाने बार बार याद दिलाते रहते हैं। याद है कि खुद आप मोबाइल से देख के गाते हैं लेकिन well done, it's all right. Guys, thank you so much. आप लोगों ने टाइम निकाला ईद वाले दिन आप लोग आए। याद है कि शो रिकॉर्डेड है लेकिन ऐसे ही लग रहा है कि ईद पे बैठे हम लोग के साथ। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे। अगर आपका कोई मैसेज है तो 3 नंबर और 4 नंबर कैमरा जल्दी सोया करें ब्रश किया करें कुछ नहीं यार मेरे ख्याल से जिंदगी जिए जिंदगी गुजारे आपकी किताब कब आ रही है? किताब आ चुकी है आपने बड़ी नहीं कभी। अच्छा वो आपकी है? बिल्कुल मेरी है। वो तो बैन हो गई। वो तो बैन हो गई। पहले वो लीक हुई थी। नहीं पहले वो तस्वीरों के साथ छपी थी फिर उसने तस्वीरें निकाली। मजाक कर रहे हैं आप लोग यार। नहीं नहीं जिंदगी जिए। नहीं बस यही बात है ये मैं हर किसी से कहता हूँ की इस शो में नहीं पूछेंगे किसकी साइड पे है आदि की या फिर वो जो क्वेश्चन होता है। अच्छा आप तैयार हो गए? अच्छा चलो अब पूछ लेते हैं। नहीं नहीं अब आपने याद करा दिया। नहीं नहीं वैसे हमने नहीं रखा था लेकिन आप चाहती हैं तो कर लें। चलें एक सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आप दोनों से। एक सवाल हम लोग एक स्कोर कार्ड चलाते हैं इस पे कि जो गेस्ट आता है वो डिसाइड करता है तो डिसाइड करना था आदि तो जिसका होगा उसको 5 स्कोर मिलेंगे। क्या मिलेगा? एक स्कोर नहीं मिलेगा 5 स्कोर मिलेंगे। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं इस हवाले से पूछना चाह रहे हैं मुनी। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हाँ बस आदि जैसे देखो आम या केला बना होता है यार आम यार अमरूद पा खाना हो किसी को तो नहीं दोनों समझ नहीं है दोनों समझ नहीं खाना नहीं है ना सर में आम एक ऑप्शन एक एक चूज करना है आपको। क्या करूं आदि या फैजान? फैजान कर लेते हैं करीब बैठा हुआ। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच। उसने ज्यादा की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए बस ऐसा ही है ठीक है। असल में आई लाइक योर शर्ट मैन। थैंक यू ब्रो थैंक यू सो मच। हां जी आदि आदि बराबर हो गया। टाइम आउट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा शो पसंद आया और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। काशी भाई जाने से पहले क्या सुना रहे हैं प्लीज बताइए। आदि भाई की फरमाइश पे है ये। मैंने आपसे कभी कोई फरमाइश पहले ही किल कर दो ना उसको। बिल्कुल जी काशी भाई जी काशी भाई जी मेरा फेवरेट गाना है बस बे बस ज्यादा बात नहीं चीफ सा आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ सा। बस बे बस ज्यादा बात नहीं चीफ सा आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ सा। पिंकी हो तो हुए देर नहीं लगती हो पिंकी हो तो हुए देर नहीं लगती मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस बे बस बस बे बस बस बे बस ज्यादा बात नहीं चीफ सा आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ सा। बस बे बस ज्यादा बात नहीं चीफ सा आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ सा। उल्टे सी
सुनाइए, नक्शेबाजी किसी और को दिखाइए। हो उल्टे सीधे रंग पाट न सुनाइए, नक्शेबाजी किसी और को दिखाइए। यहाँ चलेगी बकराज नहीं चीजा, बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीजा, आज के बाद मुलाकात नहीं चीजा, बस भाई बात नहीं चीजा, आज के बाद मुलाकात नहीं चीजा। पिंकी होते हुए देर नहीं लगती, हो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नफीस और मैं हूँ यहाँ पे आदि और फैजान के साथ दिल मजेदार शो पे। आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई होप यू एंजॉय इट टू, ओनली ऑन टीवी वन। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।